हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो हमारे घर में मकर संक्रांति का तैयारी हो रहा है। मुरी का लड्डू और कसार बन रहा है, तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये पूरा मकर संक्रांति में क्या क्या बनता है, मुरी का लड्डू और कसार, तो यही इसका रेसिपी होगा। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये देखिए गाइस, कसार में रखने पर नारियल भी काट लिया है। ये देखिए ना, कसार का चावल पिसा रहा है। ये देखिए, कसार के लिए चावल पिसा रहा है। ये देखिए गाइस, चावल पूरा पिसा गया कसार के लिए। ये देखिए गाइस, ये मीठा वाला कसार के लिए ये गुड़ का पार्क तैयार हुआ है। ये देखिए इसको, ये देखिए गाइस, कसार के लिए ये पाक तैयार हो गया है। गुड़ का देख लीजिए, अच्छे से पर तैयार हो गया है। अब इसको वो बनाएंगे। ये देखिए, जो चावल हम लोग पीसे थे उसको भी हम लोग घी में भूजेंगे अच्छे से। देखिए, ये देखिए पूरा घी में फ्राई हो चुका है चावल, चावल का पीस कर। देखिए इसमें बादाम रखा है, नारियल भी रख दिया इसमें। देखिए इसमें वो पाक भी रख दिया पूरा। ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स करना है इसको पहले। देखिए, ये देखिए, इसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, नहीं तो बाद में नहीं बनेगा। इसलिए देखिए इतनी जल्दी जल्दी कसार बना रहा है। ये देखिए कसार बनकर रेडी है। देखिए, ये देखिए देखिए, मूली का लड्डू बनाने के लिए वापस से मीठा को पानी में रखा है। ये देखिए पाक भी बन रहा है और बना रही है अच्छे से। देखिए, ये देखिए मूरी निकाल कर रखा है लड्डू बनाने के लिए, अभी पाक तैयार हो रहा है। देखिए पाक तैयार हो गया है मीठा। देखिए पूरा तैयार हो चुका है। देखिए, ये देखिए गाइस, पाक पूरा तैयार हो चुका है। देखिए, ये देखिए गाइस, इसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, अगर ठंडा हो जाने से नहीं बनता। इसलिए देखिए इसको जल्दी जल्दी बना रहे हैं सब लोग। ये देखिए गाइस, हम लोग का एक डाला मूढ़ी का लड्डू बन के तैयार है। देखिए, तो गाइस अभी 11 बज रहे हैं और हमारा सारा लड्डू बन के तैयार हो चुका है। तो आपके घर में कैसे मकर संक्रांति का तैयारी हो रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके घर में क्या क्या बना, आप कमेंट कीजिएगा। तो ये ब्लॉग दे एंड करते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।